लाइक इफ यू वांट टू जस्ट चेक इफ द नंबर इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले टैजम ओपन करो, टैजम स्लैश जेड आई स्पेस exp48.asm, ओके, देन टी लेंथ स्लैश वी exp48.obj, एंड द लास्ट वन इज क्या था, टी डी स्पेस exp48.exe, ओके, तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, सीपीयू ओपन करो, आ गया। अब मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग के दो कमांड जो दो लाइन्स है उसको स्टेप मोड में करो रन, तो F8 दो बार प्रेस कर दो, तो F8 F8, ठीक है। इसका लॉजिक जो भी है मैं पक्का बताऊंगा, बट बाद में, अभी नहीं। उसके बाद में इसको ये एक्स्ट्रा सेगमेंट, अपन को एक्स्ट्रा सेगमेंट की ज़रूरत नहीं है, अपन को यहाँ पर डेटा सेगमेंट की ज़रूरत है, तो क्या करना होगा, इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट से डेटा सेगमेंट में कन्वर्ट करो, मैंने बताया था इधर किधर भी क्लिक कर देने का, एंड देन गो टू पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे लिखो डी एस डेटा सेगमेंट एकदम इनिशियल वैल्यू से, तो देन 0H कोलन डालना है, एंड देन 0H डालना है, ओके, तो डेटा सेगमेंट में कन्वर्ट होता है। तो अपना जो नंबर था 00100002000003000004000005000006 till 00000C0 तक था, इधर देखो लिखे भाई 00100002, कहाँ तक है ये, ये होगा क्या स्लाइड, हाँ ये है 000C तक, ठीक है। तो क्या करना है भाई, ये चेक करने के लिए बताया था, तो देखो 000C तक है, 000C, मैंने आपको बोला था राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, 00C0 नहीं, 000C तक है, ठीक है। तो अब इसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देखना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देखना है, तो ये वाला स्मॉलेस्ट के लिए है कोड, ठीक है। तो व्यू पे क्लिक करो, अब अपन को चाहिए क्या, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स पे क्लिक कर दो, अब अपने को स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट, तो स्मॉलेस्ट नंबर इधर आ जाना चाहिए, तो अपन को F9 अगर प्रेस करें तो अपने आप स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो मैं जैसे ही F9 प्रेस करता हूँ इधर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 02H, कैसे 02H आपको बताता हूँ, कैसे पता चला 02H, अब यहाँ पे देखो 010 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C है, तो स्मॉलेस्ट 2 ही था, इसलिए आंसर में 02H आया, ठीक है, वेरिएबल्स में देख लो 02H आया था स्मॉलेस्ट में, समझा। वही अगर अपन लार्जेस्ट नंबर के लिए जाए तो क्या करना है, टैजम ओपन करो, तो टैजम स्लैश जेड आई exp4b.exe. क्या था asm, एंटर, देन टी लिंक स्लैश जेड आई exp4b.obj, एंटर, एंड द लास्ट वन इज टी डी स्पेस exp4b.exe, एंटर। तो कुछ नहीं करना है, इधर देखो क्या क्या नंबर है, अपन ने ब्लॉक में क्या स्टोर करके 10 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 सबसे बड़ा मुझे यही दिख रहा है गैस, देन 8 9 A, इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देन 8 9 A B C, तो सबसे बड़ा क्या है 1 2 3 4 है, राइट, तो अपना लार्जेस्ट के अंदर 1 2 3 4 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी मेंशन करके रखा है जो कि है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में 1 2 3 4 आएगा, तो व्यूज़ में जाओ, देन CPU में जाओ, तो सबसे पहले F8 दो बार प्रेस करो, मैंने जैसे कि बोला था, तो F8 मैंने दो बार प्रेस किया, अब यहाँ पे ES को अपन को DS में चेंज करना है, कैसे करेंगे, पहले एक बार इधर क्लिक करो किधर भी, और फिर राइट क्लिक करो, गो टू में जाओ, यहाँ पे लिखो DS देन कोलन 0H, क्योंकि अपन को बिगिनिंग से देखना है ताकि ब्लॉक के सब नंबर्स यहाँ पे लिख के आए, तो देखो आ गया 10 2 3 5 6, ये 3 4 1 2 नहीं है, ये उल्टा पढ़ो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, देन 0 0 0 8 0 0 0 9, ऐसे सब कुछ है, तो फिर बाद में व्यूज़ में जाओ, एंड देन वेरिएबल्स में जाओ, वेरिएबल्स में लार्जेस्ट में 0H है, तो अपन को वहाँ पे 1 2 3 4 आना चाहिए क्योंकि वही लार्जेस्ट है, तो मैं डायरेक्ट जैसे ही F9 प्रेस करता हूँ वैसे ही 1 2 3 4 आ जाता है, ठीक है, ईजी, थैंक यू।